अजीत पेपर भी देख रहे दर्शकों को मनप्रीत सिंह बद्रीकलां वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। यूके की अपडेट लैके एक बार फिर तुहाडे रूबरू होण लगा। यूके विच बीते 24 घंटे विच कोविड 19 तो प्रभावित 77 मरीजों दी मौतां होईयां ते जिसने नाल मौतों का कुल अंकड़ा 40,542 तक पहुँच गया ते बीते कल 1,42,123 लोगों के कोविड 19 टैसट किए गए जबकि 1,326 नवे मामले सामने आए हैं। लंडन में नस्लवाद विरुद्ध जबरदस्त रोस प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्हों प्रदर्शनों दौरान प्रदर्शनकारियों ते पुलिस दरमियान हुई झड़पों में घट्टो घट 27 पुलिस अधिकारी जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूके सरकार वालों 15 जून तो जिथे गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकाना खोलन का ऐलान किया उत्थे ही उन्होंने निजी प्रार्थनावां लई धार्मिक स्थानों भी खोलन का ऐलान कर दिता है। भाईचारक मामलों बारे मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने कहा है कि 15 जून तो इंग्लैंड के गुरद्वारे मंदिर मस्जिद चर्च और होर धार्मिक स्थानों निजी प्रार्थनावां लई खोलिया जाएगा पर समूहिक इकट्ठ ते पाबंदी अजे जारी रहेगी। धार्मिक स्थानों में प्रबंधकों को समाजिक दूरी बनाई रखने लिए पुख्ता प्रबंध करने होंगे। केंद्रीय मंत्री जेनरिक ने कहा कि समूह धर्मों के लोगों ने बंद दौरान पूरा साथ दिता है और हौसला विखाया है। उन्होंने इस मौके ईस्टर रमजान विसाखी आदि का जिक्र करदिया कहा कि लोगों ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के नाल रवायती ढंग नाल इन्हां त्यौहारों नूं नहीं मनाया जिस करके असी वायरस से काबू पाउण विच कामयाब रहे हाँ। उन्होंने कहा कि इसलिए असी सीमित रूप में पूजा स्थानों नूं खोलण लई अगे वध रहे हाँ। उन्होंने कहा कि गुरद्वारे मंदिरां ते होर धार्मिक स्थानों के प्रबंधकों नूं श्रद्धालुओं की गिनती का प्रबंध करना होगा जिस लई सरकार वालों नवे दिशा निर्देशों तहत पूजा स्थानों की साफ सफाई हत्थां की सफाई अंदर दाखिल होण अते बाहर निकलने लई वख-वख रस्तियां तो इलावा श्रद्धालुओं नूं निजी वरतों वाला समान खुद ही लियाउण ते जोर दिता गया है। धार्मिक मामलों वाले राज मंत्री लार्ड स्टीफन ग्रीनहाग ने कहा कि सरकार 4 जुलाई तो पूरी तरह धार्मिक स्थान खोलने लिए विचार कर रही है। किराया ना दे सकन वाले किराएदारां नूं 2 महीने घरां चों कढ़न ते पाबंदी लगा दित्ती है। बरतानिया सरकार ने महामारी दौरान जिथे घरां दीआं किश्तां ना दे सकन वाले लोगों नूं 3 महीने छुट्टी देण दा ऐलान किया है। इस दे नाल ही उन्हां किराएदारां नूं 2 महीने घरां चों कढ़न लई पाबंदी लगा दित्ती है। सरकार ने कहा कि महामारी के चलदिया जिहड़े लोग किराया नहीं दे सकते अजिहे लोगों नूं 23 अगस्त तक घरां विच सुरक्षित रखा जाएगा। उन्हां लखां लोगों दीआं नौकरियां चले जाण ते फरलो लैण वाले लोगों नूं आ रही आर्थिक तंगियां नूं वेखदिआं इह फैसला कीता है। लंडन विच सिखां वल्लों जून 1984 के घल्लूघारे के संबंध में रोस प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन हर साल की तरह हार्ड पैर तो होंदा होया लंडन दीआं सड़कां तो लंघदा ट्रैफिकलर स्क्वेयर विखे समाप्त होया। फेडरेशन ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन के बैनर हेठ किए गए इस रोस प्रदर्शन में तालाबंदी के बावजूद सैकड़े सिख वख-वख शहरों तो पहुंचे सन जिन्हां विच बहुगिनती नौजवानों की रही। प्रदर्शन दौरान सिखा ने भारत सरकार वालों श्री दरबार साहब से हमला करके श्री अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी करन सिख रैफरेंस लाइब्रेरी तोशाखाना तबाह करन समेत सिखा के वडमुले इतिहास नूं सारण अते नष्ट करन की निखेधी की गई। इस मौके बोलदिया बुलारिया ने कहा कि 36 सालों बाद भी सिखा नूं भारतीय न्यायपालिका वालों इंसाफ नहीं दिता गया। हांसलो के सबका मेयर गोपाल सिंह ढिल्लों नहीं रहे। हांसलो बारो ऑफ लंडन के सबका मेयर गोपाल सिंह ढिल्लों की संखेप जी बीमारी तो बाद मौत हो गई। वह 95 वर्या के सन। कपूरथला के पिंड ढिलवां के जंपल गोपाल सिंह ढिल्लों 1960 यूके आए। वह 1990 तो 2014 तक हांसलो के हेस्टन सेंट्रल वार्ड तो 24 साल कौंसल रहे अते लंबा समा हांसलो की राजनीति में सरगर्म रहे। सरदार गोपाल सिंह ढिल्लों की मौत से MP वरिंदर शर्मा MP सीमा मल्होत्रा डिप्टी मेयर रघविंदर सिंह सिद्धू कौंसलर प्रीतम सिंह गरेवाल अते सबका मेयर दर्शन सिंह ढिल्लों ने दुख का प्रगटावा किया है। यूके में महामारी के चलदे सिख भाईचारे वालों लोड़वंदा की मदद करने की सेवा निरंतर जारी है। मेरगिल वालों सिख भाईचारे नहीं बल्कि उन्होंने वालों होरना भाईचारिया के लोगों भी सेवावान दिखाई जाए। पेश है अजीत वेब टीवी लिए एक विशेष रिपोर्ट। पंजाबी भाईचारे वालों सिख भाईचारे वालों COVID-19 के महामारी के दौरान समूह भाईचारिया की सेवा करने की जी कोशिश की जा रही है।
इस वक्त असी मेल गिल मल्टी कल्चर प्रोजेक्ट साउथ हाल जो श्री गुरु सिंह सभा साउथ हाल की रहनमाई हेठ चल रहा है तो उन्हां वल्लों अज स्थानक चर्चा दे नाल मिल के लोड़वंद 750 दे करीब लोगों के लिए जिहड़ा रसद जिहड़ी है उन्हां नूं भेजी जा रही है। तो इस वक्त असी देख रहे हैं कि गुरु घर के प्रधान सतिगुर गुरमेल सिंह मल्ली ते प्रोजेक्ट दे कोआर्डीनेटर दलजीत सिंह गरेवाल नाल खजांची गुरबचन सिंह अटवाल समेत जिहड़ा बीबी सुरजीत कौर कमेटी मैंबर ते होर बहुत सारे जिहड़े लोग ने सेवादार ने वो अज इत्थे सेवा कर रहे ने ते लोड़वंदां दे लई जिहड़ी आ उह वैन नूं जिहड़ा उह भर के भेजिया जा रहा ते कोरोना वायरस की महामारी का टाकरा करन दे लई सिख भाईचारा हर भाईचारे दे बिना किसी भिन्न भेद तो जिहड़ी आ उह सेवा कर रही है। तो आओ असी करते हैं प्रबंधकां दे नाल गलबात ते जानते हैं कि वह इस सारे प्रोजेक्ट नूं जिहड़ा उह किस तरह चला रहे हैं। मैनूं बड़ा इस गल की खुशी हुंदी है कि असी अज जो साडे ते कोरोना वायरस का बीमारी का जो चल रहा है उस दे दौरान असी जो साडे नालों लैस फॉर्चुनेट हन जां जिन्हां नूं जरूरत है उन्हां दी असी मदद करन लई अज चर्च वाले नाल लगे हाँ क्योंकि आउटरीच प्रोजेक्ट करते हैं ये 700 मील एवरी वीक यह लोगों नूं वंडदे हन ते असी भी सोचिया इस असी भाग पाइए। मैं इत्थे भी कह देना चाहुंदा हाँ बई असी भी तकरीबन 750 जो ये पार्सल तुसीं देख रहे हो ये वंडते ने इन्हां दे सणे सो असी भी कोशिश यही करते हैं जिथे तक हो सके असी वध तो वध लोगों के घर तक जाके ये उपरदा करिए। उपराला जो है ये सरदार गुरमेल सिंह जी मल्ली गुरद्वारा प्रबंध श्री गुरु सिंह सभा के प्रबंधक हैं जो तो समुची कमेटी के उपराले नाल ही मेल गेल चलता है तो वाहिगुरु ने यह सेवा सानू बख्शी सी तो असी ये सेवा कर रहे हैं। वध चढ़ के ये हिस्सा पाओ तो आके सानू वॉलंटियर की भी लोड़ है तो जरूर आके जो समा कट सको कढ़ो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करदा साउथ हाल अलायंस वह भी इतने पहुँचे हुए हैं तो चर्च तो भी पहुँचे हुए हैं श्री गुरु सिंह साहब वालों असं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सब तो पहले असं गुरु साहब के आशीर्वाद के नाल जिन्हें भी साढ़े सेवादार चाहे वह श्री गुरु सिंह सभा की गल करिए तकरीबन 3000 मील्स एवरी डे दे आर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू एवरी नीडीज वल्नरेबल पीपल and also we like to thank you Mail Gel team and also the church team who are distributing to surrounding South Hall, not surrounding South Hall, Ealing, Hounslow, Hayes, Hellingdon, so that sort of area. So we like to thank you all the volunteers. Sri Guru Singh Sabha Vallon assi saryan da bahut bahut dhanwad karde haan kyunki executive committee dhanwad kar sakdi hai sangatan da jehde inna khazana jehda langran de vich bhej rahe ha te government da Ealing कौंसल का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जी ये ग्रांटा दे के तो वनरेबल पीपलों तक नीडी पीपलों तक जो पहुँचा रहा 750 तकरीबन पैक वंडिया जा रहा है। सो आने वाले 2-3 वीकों के इन्ना ही पैक जो हो रहे ये मेल गिल की टीम आ सो जिथे असी साढ़े यंगस्टर गुरु घर लंगर तैयार कर रहे हैं उत्थे मेल गिल की टीम जी कि सारे सीनियर सिटीजन इन्हों का भी असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरु अगे अरदास करते हैं कि परमात्मा इन्हों चढ़ती कला में रखे इस तरह सेवा करवाई जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने साढ़ा इस उपराला दूर नेड़े तक पहुँचाया। दूसरा धन्यवाद साढ़े मेल गिल की टीम एंड मेल गिल के वॉलंटियर जिन्हें भी है जिन्होंने काम किया क्योंकि जो मेल गिल की टीम एग्जिस्टिंग करती सी ही सही इतों तक पहुँचे हैं। तो ये जो उपराला है सानू मतलब दलजीत सिंह गरेवाल जिहड़े कि बहुत मेहनत करते हैं साडे इस टीम के वास्ते प्रधान साहब गुरमेल सिंह मल्ली सारे गुर मतलब गुरद्वारे की जिन्नी भी एग्जैक्टिव कमेटी है सारी साढ़े नाल है तो असी वध तो वध कोशिश की कि वध तो वध सराउंडिंग एरिया विच जिन्हें भी फूड पार्सल वंडे जाए पर ही असी भी सोचे भी अपने जो सहयोगी ने साउथ अलायंस चर्च वाले इन्हों मिल के भी काम किया जाए तो थोड़ा जहा काम होर चार चन्न लगनगे ये उपराला साडा अज करने की कोशिश है जी। मैं धन्यवाद देना चाहता है गुरमेल सिंह मल्ली प्रधान जी को जिन्होंने मुश्किल की घड़ी के एक सिख कम्यूनिटी का हाथ नहीं फड़िया उन्होंने कम्यूनिटी के अलग अलग सैक्शनज में कवर किया जिस तरह की तुम देखा उन्होंने चर्च वाले जो भी द मूवमेंट इन्होंने फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस तो बाद सब तो बड़ा धन्यवाद है गुर अपना दलजीत सिंह गरेवाल जी तो उन्होंने जो कि
सीनियर सिटीजन के नाते इस टीम नू रन किया है। तो इस मुश्किल की घड़ी के उन्होंने जिनी भी हैल्प हो सकती थी साड़ी कमेटी की तो उन्होंने की, अपनी कमेटी के नाल नाल इस टाइम उन्होंने चर्च की जो हैल्प की वो एक सारे कौम एक सांझा सुनेहा दिता उन्होंने कि असी रल मिल के इस मुश्किल की घड़ी में किस तरह सारे साथ दे सकते हैं। थैंक यू। कंग्रेचुलेट मेल गेल एंड सेंट मेरीज चर्च फॉर दिस वंडरफुल कोलैबोरेशन। यस यस, देयर इज एन एनॉर्मस प्रॉब्लम इन ईलिंग एंड साउथ ऑल वेस्ट लंदन द यूके विद पीपल हु आर अनएबल टू एक्सेस फूड। आवर कम्युनिटीज आर गोइंग हंग्री। दिस इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल कम टुगेदर। कम्युनिटी, faith, secular, all faiths and none, and when we get together we show how united we are, we show what benefit we provide to our communities. So from Southall Community Alliance, we're already working on food distribution in Southall. We think this is wonderful. I say we work together, help our communities, and show that we're meeting the needs at the time of greatest hardship. Thank you. So I'm really just here to say thank you. Thank you to Mel Gale, thank you to Norwood Hall. Thank you for this very kind donation of food towards feeding families in the Southall area during this COVID-19 crisis. There are about 700 families, I think, who are being helped twice a week with food donations. And lots of different organizations are involved, Sikh organizations, Christian organizations, secular organizations, other faiths as well. It's wonderful to see the community coming together. ਇਸੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।